पीएम मोदी 22 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम वाराणसी में 22 दिसंबर को पहली बार बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे और आईडीडीएस का उद्घाटन करेंगे। पीएम छावनी इलाके में प्रस्तावित 4 लेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कल मुरादाबाद की रैली में से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर चोट की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाकर रहूंगा और पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों और बेईमानों से तंग लोग नोटबंदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा भी उन्होंने कहा कि जनता ही मेरा नेता है, जनता ही हाईकमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं फकीर हूँ, मेरा क्या कुछ कर लेगा कोई, और झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूँ, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। हाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर मायावती ने एक बार फिर तीखा हमला किया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है और इसलिए नाटकबाजी कर रही है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसके पीछे पीएम का स्वार्थ है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी संसद के भीतर और बाहर केंद्र की नीतियों का विरोध करती रहेगी। अपनी कमजोरियों व विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए देश की लगभग 90% गरीब व मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय जनता को सामूहिक तौर पर सजा देने के लिए अपना तानाशाही व अड़ियल रवैया अपनाकर कार्य करते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर हमारी पार्टी देश व व्यापक जनहित में आम जनता के साथ खड़े होकर उनका दुख दर्द बांटने व उनकी तकलीफों को कम करने के लिए ही फिर केंद्र सरकार के ऐसे सभी फैसलों का संसद के अंदर व बाहर भी अर्थात दोनों जगह डटकर विरोध करेगी। अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ किसानों, मजदूरों व अन्य मेहनत कश एवं मध्यम वर्गीय लोगों की ही पार्टी है और देश के ऐसे करोड़ों लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा व दुख तकलीफ मानकर ही समझकर ही हमारी पार्टी इसके लिए हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहती है और यही प्रयास व संघर्ष वर्तमान में नोट बंदी के मामले में भी हमारी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जबकि वास्तव में इस मामले में व इस फैसले के पीछे सच्चाई एवं मुख्य कारण एकमात्र केवल कोरा बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपना राजनीतिक स्वार्थ ही है। अमृतसर में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया के मुख्य सम्मेलन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति
अशरफ गनी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे पहले शनिवार को सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसका एजेंडा आतंक की चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाए इस पर हुआ और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में करीब 40 देश और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन शामिल हो रहे हैं। पहले दिन अफगानिस्तान में शांति बहाली समेत कई समस्याओं पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर भारत सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान को घेर सकता है। सम्मेलन में शामिल अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए और ऐतिहासिक जलियांवाला बाग भी घूमने के लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और अरदास की। साथ ही दर्शन करने के बाद लंगर में लोगों को अपने हाथों से खाना भी परोसा। स्वर्ण मंदिर में पीएम मोदी के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल पर प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अमृतसर में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के मेहमानों के लिए शनिवार रात डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें बाकी मेहमानों के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सलाहकार सरताज अजीज भी शामिल हुए। काफी दिनों बाद ये पहला मौका था जब भारत में पीएम मोदी के साथ पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि डिनर में शामिल हुआ। हालांकि सरताज अजीज के साथ भारत का किसी भी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम नहीं है। जीएसटी काउंसिल की दो दिनों तक चली बैठक में डुअल कंट्रोल सहित तमाम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। काउंसिल की अगली बैठक अब 11 और 12 दिसंबर को होगी। बैठक में के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, लेकिन इसे मंजूर करने में कुछ देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा की जरूरत है। आपको बता दें कि सरकार की कोशिश सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी कानून को संसद के मौजूदा सत्र में पास कराना चाहती है। कल हम लोगों ने उसका क्लॉज बाय क्लॉज अप्रूवल आरंभ किया है। लगभग 9 चैप्टर्स उस कानून के ऐसे हैं, उन दोनों कानून के 9 ईच, जिस पे पूरी चर्चा हो चुकी है और अधिकतर विषयों में हम कंसेंसस की तरफ उस पे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन कानूनों के अप्रूवल में, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है जीएसटी काउंसिल का, काफी समय लगेगा। इसके ड्राफ्ट को पूरा अप्रूव करने के बाद दो और कानून है, कॉम्पेंसेशन लॉ और एक आईजीएसटी लॉ, तो कुल मिला के 4 ऐसे लीगल ड्राफ्ट्स हैं जो अप्रूव करने पड़ेंगे। तो 11 और 12 तारीख को उस पर्पस के लिए हम लोग मिलेंगे। आईडीएस का सबसे बड़ा डिफॉल्टर महेश शाह पकड़ा गया है। महेश शाह एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, जहां से कल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शाह से अहमदाबाद के आयकर दफ्तर में पूछताछ की गई। शाह ने बताया कि दिखाई जा रही सारी रकम उसकी या उसके परिवार की नहीं, बल्कि ये कुछ नेताओं और कारोबारियों का पैसा है। उसने कहा है कि इसके पीछे बड़ा घोटाला है और इसका वो खुलासा करेगा। अहमदाबाद का ये बिजनेसमैन करीब 14,000 करोड़ का ब्लैक मनी घोषित करने के बाद अचानक गायब हो गया था। महेश शाह ने स्कीम के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ ले जाकर अहमदाबाद में इनकम टैक्स के दफ्तर में अपना काला धन बताया था, लेकिन जब स्कीम के तहत पहली किस्त के रूप में करीब 1500 करोड़ रुपए टैक्स भरने की बारी आई तो महेश शाह गायब हो गया। यहां तक कि उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। अहमदाबाद के जमीन दलाल महेश शाह को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासे के मुताबिक महेश शाह काले धन को सफेद करने के लिए अपना एक ट्रस्ट बना रखा था और लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने पर वो गुजरात छोड़कर भाग गया। महेश शाह जमीन की दलाली का धंधा करने लगा था और जबकि उसका बेटा सूद पर दिए हुए पैसे की वसूली करता था। 3 साल से 3 लाख की आयकर रिटर्न भरने वाले महेश शाह ने अचानक 13,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित करने की कोशिश की और आयकर विभाग में इसकी भी जानकारी दी थी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसके पास जो काला धन आने वाला था वो ट्रस्ट में तब्दील करके सफेद कर देता और अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से इस पैसे को अलग अलग जगहों पर रखने वाला था।
आईआईएम बेंगलुरु देश के 138 शहरों में आज 2016 की कैट परीक्षा करा रहा है। परीक्षा के लिए जारी निर्देशों के मुताबिक स्टूडेंट्स को जूता निकालकर परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति होगी, वहीं पेन भी परीक्षा हॉल में दिए जाएंगे। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए इस बार 232,434 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश के 20 आईआईएम इसी परीक्षा के आधार पर अपने यहाँ एडमिशन करेंगे। उत्तर भारत में भीषण कोहरे का कहर जारी है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 54 ट्रेनें लेट चल रही हैं, 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कोहरे के कारण दिल्ली में विजिबिलिटी कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से 4 इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हैं, जबकि दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हो गया है। 2 मंजिला इमारत की छत का छज्जा नीचे गिर गया, कई लोग मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपार्टमेंट में 6-7 फ्लोर 7 और 8 का स्लैब गिर गया है और 1-2 जने को फंसे हैं। कॉल मिलते ही हमने टर्न आउट लिया, मजरा फायर स्टेशन, नवसारी बाजार और बाद में मांदरा को भी कॉल दिया और रेस्क्यू के साथ में। घटनास्थल पर जब हम आए तो 6th फ्लोर पे एक लेडीज़ और एक बच्चा, वो अंदर सेफ थे लेकिन अंदर के रूम में थे। उनको हमने ऊपर से 8वें माले से ग्रिल काट के और फायरमैन रेस्क्यू चेयर नोट बांध के और फायरमैन को नीचे उतार के उन दोनों को, पहले लड़के को और बाद में लेडीज़ को, हमने ऊपर सेफ निकाल लिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पुलिस ने 5 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया है। इन सभी नाबालिग लड़कियों को ओडिशा से मानव तस्करी कर यहां पर लाया गया था। घर वालों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर तस्कर इन लड़कियों को यहां पर लेकर आए थे। हालांकि इस दौरान एक नाबालिग लड़की का मर्डर की खबरें भी सामने आई है। बरामद की गई लड़कियां ओडिशा के वैदिकी और कंधमाल की बताई जा रही है। शुक्रवार को पंजाब के पठानकोट में संदिग्ध हथियारबंद लोगों ने के देखे जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के साथ लगती सीमा खासकर कांगड़ा में पुलिस के सतर्क कर दिया गया है। सीएम वीरभद्र सिंह के मुताबिक राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से चौकस है। वहीं पंजाब से आने वाले सभी गाड़ियों की पूरी तलाशी की जा रही है। ओडिशा में इन दिनों कोणार्क फेस्टिवल की धूम है। कोणार्क के सूर्य कैंपस में 1-5 दिसंबर तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं। कोणार्क फेस्टिवल के तहत होने वाले कोणार्क नृत्य उत्सव में शामिल होने के लिए दूसरे देश के कलाकार भी ओडिशा पहुंचते हैं। कोणार्क डांस फेस्टिवल में 5 दिनों तक ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुर कथक और छाऊ जैसे ट्रेडिशनल इंडियन डांस पेश किया जाता है। ओडिशा टूरिज्म ने साल 1969 में कोणार्क फेस्टिवल की शुरुआत की थी। अब ये फेस्टिवल 5 दिन तक मनाया जाता है। सबसे टॉप मतलब सबसे बेस्ट महोत्सव है। हम साल में एक बार वेट करते हैं कि क्लासिकल डांस देखने के लिए आएंगे और बेसिकली हमारे ओडिशा का जो ओडिसी है उसके बहुत वो बहुत सब क्लासिकल डांस में वो बेहतर है सबसे हमको लगता है। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, साल में एक बार हमारे ओडिशा में ये होता है कोणार्क में, तो हम लोग इंतजार करते हैं ये इंटरनेशनल प्रोग्राम देखने के लिए। बेसिकली फर्स्ट पार्ट में ओडिसी रहता है कंपलसरी और सेकंड पार्ट में ऑल ओवर स्टेट से आते हैं जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। तो कोणार्क के फेस्टिवल में डांस के साथ ही साथ सैंड आर्ट फेस्टिवल भी होता है। बंगाल की खाड़ी के चंद्रभागा तट पर होने वाले सैंड आर्ट फेस्टिवल में इस साल 68 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई विदेशी सैंड आर्टिस्ट भी अपनी कला का प्रदर्शन करने ओडिशा पहुंचे हैं। मौका मिला ये इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल देखने का, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 66 स्टॉल है और देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। फॉरेन से भी कितने आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे,
देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दो तीन चार साल से लड़के लोग भाग ले रहे हैं। पिछले वर्ष 12 लड़कियां भाग ले रहे थे, इस साल 16 ले रहे हैं। फॉरेन से भी बहुत सारे सेंट आर्टिस्ट आए हैं और ये कोणार्क फेस्टिवल के साथ ये इंटरनेशनल सेंट फेस्टिवल चल रहा है। ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा और ये एक बहुत अच्छा आयोजन है इस तरह। उत्तराखंड के कोटद्वार में चल रहे सिद्ध बलि मेले का आज आखिरी दिन है। मेले के आखिरी दिन सिद्ध बलि धाम में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग कोटद्वार पहुंचते हैं। मेले में भक्तों की भारी भीड़ के बाद भी यहां दुकानदार मायूस है। वजह है नोटबंदी के कारण बिक्री में गिरावट। नोटबंदी के कारण बाद मेले में स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों की बिक्री पिछले सालों की तुलना में आधी रह गई है। आज नौसेना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमर जवान ज्योति पर तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी नौसेना दिवस पर शहीदों को नमन किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर के पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद प्रकाश राणे के घर पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आनंद प्रकाश राणे और उनके भाई विजय प्रकाश राणे के घर पर की गई। छापेमारी में ग्वालियर के आदित्य प्लाजा और मोहन नगर में 2 मकान मिले। भोपाल के चूना भट्टी सीआई इनक्लेव और कंफर्ट कॉलोनी में 2 आलीशान मकान मिले। इंदौर के शहनाई रेसिडेंसी में 2 फ्लैट। इंदौर के विजयनगर में स्कीम नंबर 114 में मां और पत्नी के नाम पर 1-1 फ्लैट मिला। भाई के नाम पर महंगी कार और बेटे के नाम पर 1 बाइक मिली। इसके अलावा बीसीएम हाइट्स इंदौर में 1 फ्लैट होने की जानकारी मिली। फिलहाल लोकायुक्त की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी है। आधार पर धारा 13(1)(e) और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण का पंजीयन किया गया। प्रकरण के पंजीयन के उपरांत माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया। एक मकान ये है जिसका सर्च वारंट है, दूसरी पार्टी एक जगह वहाँ सर्च कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स धंधा छोड़ने का हलफनामा देंगी तभी उन्हें रहने के लिए मकान दिया जाएगा। दरअसल मीरगंज में सेक्स वर्कर्स के मकान सील करने के मामले में सुनवाई के दौरान ये बात कही गई। इसी साल 1 मई को इलाहाबाद जिला प्रशासन ने शहर के इस इलाकों में छापे की बड़ी वारदात कार्रवाई की है और यहाँ रहने वाले सेक्स वर्कर्स को यहाँ से हटाकर उनके कोठों को सील कर दिया गया था, जिसके बाद कई पीड़ित सेक्स वर्कर्स हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिकाकर्ताओं में कोर्ट में दावा किया था कि ये मकान उनके हैं और प्रशासन के पास उनके खिलाफ देह व्यापार की किसी भी धारा के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इस लिहाज से उन्हें प्रशासन की तरफ जारी की गई नोटिस उसके ऊपर लागू नहीं होती। यूपी के मुजफ्फरनगर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टूटी हुई पटरी से आधा दर्जन ट्रेन गुजर गई। ये रेल ट्रैक खतौली इलाके में है लेकिन रेलवे के अफसरों को भनक तक नहीं लगी। टूटी गई पटरी से ट्रेन गुजरती रही। जब स्थानीय लोगों ने टूटी गई पटरी देखकर स्टेशन मास्टर को जानकारी दी तब भी कोई वहां नहीं पहुंचा। इस बीच कई ट्रेन वहां से गुजर गई और तब किसी ने दिल्ली के डीआरएम को जानकारी दी। तब जाकर रेलवे के अफसरों की नींद टूटी। अधिकारियों ने दौरा किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जगह जगह शराब मिल रही है। कई लोग अब भी शराब खरीद कर पी रहे हैं। पति को नशे में चूर देकर अब पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिलावटी दूध के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। मिलावटखोरों ने सेना में शामिल होने के लिए पहुंचे युवकों की सेहत से खिलवाड़ किया है। अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए राजकीय कॉलेज मैदान में एक कैंप लगाया गया था। कैंप के पास दूध का स्टॉल लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो चलाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। खुद एसीबी ने इसका पर्दाफाश किया है और इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक का नाम डेनी टांडी है। बताया जा रहा है कि
डेनियल एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से युवकों की भर्तियां कर रहा था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बालगृह में किशोरियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में फरार चल रहे पांचवें आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। गुना कैंट इलाके के तरावटा गांव में इंटरसिटी ट्रेन से कटकर आरोपी दिनेश बाथम ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में धार जिले के घाटा बिल्लौद गांव की रहने वाली 12 साल की लड़की ने हिम्मत और हौसले के दम पर न केवल अपनी बल्कि साथ साथ अपने 14 महीने के भाई की भी जान बचाई है। राजस्थान के कोटा में यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक थानाधिकारी के आलिशान घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि थानाधिकारी ने स्टील ब्रिज के पीछे न्यास की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध भवन बना लिया था। झारखंड के जमशेदपुर में इंसान के फौलादी इरादों की शानदार तस्वीर सामने आई है। यहां के एक होटल में दिव्यांगों ने अपने इरादों की बेहतरीन मिसाल पेश की है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में चल रहा लो ग्रेविटी रेस्टोरेंट अपने आप में बेहद ही खास है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। मिर्जापुर के जमालपुर के रहने वाले निखिल और जापान के शहर मियागी की रहने वाली आयुमी एक दूसरे के हो गए हैं। शादी में शामिल होने के लिए जापान से आयुमी के पिता, माँ, बहन और कई दोस्त पहुंचे। भारत और कतर के बीच आना जाना जल्द आसान हो सकता है। दोनों देशों के ने सिविल एविएशन में सहयोग बढ़ाने के साथ कारोबारियों और टूरिस्ट के लिए ई वीजा सुविधा देने के समझौते पर बातचीत का इरादा जताया है। हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के पीएम शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत की अगुवाई की।